अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बना रहे कढ़ी। आप लोग को बताते हैं क्या क्या ऐड करें, कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने 1 किलो बेसन लिया था, तो मैंने इसको छान लिया और ये आधा मैंने अलग कर दिया पकौड़ों के लिए और ये आधा मैंने इसमें डालूंगी, कढ़ी बनाऊंगी इसकी। और ये मैंने 8 प्याज लिए, 9 प्याज हैं जो ये मैं प्याज ऐड करूंगी पकौड़ों में। और ये हरी मिर्चें हैं 10-12, ये भी ऐड करूंगी। और ये आधा कड़ी पत्ता है जो मैं इसमें डालूंगी कड़ी में, 3 टीस्पून भरकर कुटी पिसी मिर्चें, 2 टीस्पून भरकर हल्दी, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं आप लोग, 1-2 टीस्पून चना नमक और 1 पाव से ऊपर दही है जो मैंने दही दी थी, अभी ये 700 ग्राम दही है और ये मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसके अंदर मैं बेसन भी ऐड करके इसमें सब चीज़ ऐड करके इसको पीस लूँगी और उसके अंदर आधा भी हम ऐड कर रहे हैं और आधा हम बाद में ऐड कर रहे हैं। सब मसाले भी ऐड कर रहे हैं इसमें। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है मशीन में और ये ऐड कर रही इसमें। और जो दूसरा बेसन बचा था वो भी हम ऐसे इसमें मशीन में डाल के पानी डाल के इसको पीस लेंगे। देखिए, ये मैंने पीस लिया है इसको, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अभी। देखिए, हमने 4 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम देखिए, हमने इसको चढ़ा दिया, चूल्हा खोल दिया। इसके अंदर ये मैं तेल के हैं 2 इसमें डाल दें, मैं ऐड कर दी और ये हम कड़ी पत्ते भी ऐड कर दें इसमें। चलाना है, नीचे धोना आ जाए। देखिए, इसको मैंने अभी इसको चलाना है, इसको जब तक चलाना है जब तक ये उबल ना जाए, नीचे से ये चिपक जाएगी वरना बेसन, ठीक है। और बाकी हम ऐसे तो चला देंगे, आप लोग को बता दिए। देखिए, इसको बॉयल आ गया, अच्छे से उबाल आ रहा है। इसका हम अभी चूल्हा कम कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया, ये पकती रहेगी। हमें इतना पकाना है ये घाटी हो जाए, जितनी हमें कढ़ी का वो चाहिए, गाड़ी हो जाए कढ़ी। और साथ में हम बना रहे हैं इसके साथ। देखिए, ये मैंने प्याज काट लिए पकौड़ों के लिए और ये मैंने 1 धनिया लिया था उसको मैंने काट लिया धो के अच्छे से, और ये हरी मिर्चें और ये सब हम इसके अंदर ऐड करके इसको
बेसन इसका तैयार करेंगे पकौड़ों का। देखिए नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं आप लोग अपने। एक टीस्पून भरकर लाल मिर्ची को, लाल मिर्ची पाउडर, दो टीस्पून कुटी मिर्ची, तीन टीस्पून मैंने मिर्ची डाल दी कुटी में। आधा टीस्पून हल्दी, और एक चाय का चम्मच जीरा। और ये धनिया पाउडर दो टीस्पून भरकर। देखिए मैंने आधा पुदीना लिया है जो इसको भी मैं काट के इसमें ऐड करूंगी, और ये मैंने चना नमक लिया है एक टीस्पून वो भी ऐड करी इसमें, और एक चम्मच चाय वाला मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। देखिए ये हम पुदीना इसके अंदर काट के ऐड कर रहे हैं। देखिए मैंने इसके अंदर पुदीना भी काट के ऐड कर दी, और माशाल्लाह हमारी कढ़ी बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है, अच्छे से पक भी रही है। अभी आपको हम दिखाते हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉयल हो रही है कढ़ी, और इसको हमने एक दफा चला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी की, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी बन रही है ये। देखिए ये मैं बेसन को, पकौड़ों के बेसन को तैयार कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने इसको सारे को ऐसे ही बेसन रेडी कर लेना है तैयार, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे। इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं पूरे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमने थोड़ा बेसन बचा लिया था, बाकी का हम अभी फिर ऐड करेंगे। देखिए हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर, जो हमने बचाया था वो ऐड कर दिया है इसमें।
हमें इसको इतना मिक्स अच्छे से वो कर लेना है पूरे मिक्स। और साथ में मैं ये देखिए ये बघार के लिए ले रही हूँ, ये मैंने 10 मिर्चें ले ली गोल वाली लाल, और ये 1 टीस्पून भरकर जीरा लिया, और थोड़े मैंने कड़ी पत्ते लिए, और 3 मैंने प्याज लिए जो मैं इसको काट के बघार लगाऊंगी बाद में। देखिए मैंने पकौड़ों का बेसन रेडी कर लिया है, देखिए इतना ही होना चाहिए, हम लोग को इतना ही चाहिए था, फिर हमने ऐसे इसको रेडी कर लिया है। माशाल्लाह देखिए कड़ी बहुत ही अच्छी बॉयल हो रही है, अच्छे से पक रही है, और इसको भी हम कवर करेंगे। देखिए इसको भी हम कवर कर रहे हैं, पूरा नहीं ढकना, पूरा ढकेंगे तो ये बॉयल आ जाएगा अच्छे से इसको। देखिए हम लोग कढ़ी हमारी रेडी होने वाली है, और अभी हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं, और इसको उधर दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। देखिए मैंने पकौड़ों का तेल चढ़ा दिया है, तेल जैसे गर्म होगा उसके बाद हम इसके अंदर पकौड़े वो ये डालेंगे, पकौड़े डालेंगे, रेडी करेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, हम लोग ये छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे इसमें। देखिए अभी हमने इसके अंदर थोड़े से पकोड़े डाल के उनके फ्राई किया कर रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है, वैसे तो नहीं होगी, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पकोड़े हो गए, और माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया इसमें, अभी हम ये दिखा रहे हैं इसको हम चेक करेंगे, और हमने आँच इसकी कम की हुई है चूल्हे की। देखिए माशाल्लाह टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है पकौड़ों का, अभी हम दूसरे भी ऐड कर रहे हैं, इसमें किस चीज़ की भी कमी पेशी नहीं है, सब बराबर है इसमें, और हम सब भी ऐसे पकौड़े डालते जाएंगे, छोटे छोटे डालते हैं इसलिए क्योंकि कड़ी के अंदर जाते ही फिर डबल हो जाते हैं ये, और सब हम ऐसे ऐड करते जाएंगे इसमें। देखिए मैंने सारे इसके अंदर पकौड़े डाल दिए थे, और मैंने आँच हल्की की हुई थी, अभी मैंने इसकी आँच तेज़ कर दी है, और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने, आपको दिखाती हूँ मैं, कितने सॉफ्ट बने ये देखे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने, सॉफ्ट बहुत अच्छे हो गए, और ये जब कड़ी में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। और ही और क्या कहते हैं, अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है भाई हमारे पकौड़े वो सॉफ्ट नहीं होते, बहुत कड़क हो जाते हैं कड़ी में डालने से, इसकी क्या टिप है, तो आप लोग इसको फ्राई करके पहले रखते जाते हैं थोड़ा 1 मिनट तक बाद रखते हैं, बाद में जो हम इसको कड़ी में ऐड करेंगे, इसलिए पकोड़े अच्छे होते हैं और नरम होते हैं कड़ी के अंदर। देखिए अभी इसको हम चला दे रहे हैं दूसरी साइड बनेंगे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इसका पकोड़ों का, और साथ में मेरी कड़ी भी रेडी हो रही है, वो पक रही है उसके साथ ही, और मैंने उसको चढ़ावा है हल्की आँच पे। देखिए मेरे पकोड़े हो गए, ये फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल रही हूँ सबको। मैं पकौड़े जब मैं कढ़ी बनाती हूँ माशाल्लाह पकौड़े मेरे घर में जैसे मैं फ्राई करती हूँ, और मेरे बच्चों को मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, वो खाते रहते हैं पकौड़े, इसलिए मैं पकौड़े ज़्यादा बनाती हूँ जब कढ़ी बनाती हूँ। अभी हम दूसरे डाल रहे हैं इसके अंदर, और मैंने इसका चूल्हा फिर कम कर दिया है क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म होता है अंदर से, फिर पकोड़े कच्चे रह जाते हैं, ऐसे हम सभी ऐड कर देंगे। और अब भी दिखाते हैं आपको कढ़ी भी, अब माशाल्लाह मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई,
मैं पकोड़े हाथ से डालती हूँ, चम्मच से नहीं डालती। अक्सर लोग चम्मच से डालते हैं, हर किसी का अपना होता है डालने का अंदाज, जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे ही डालते हो, चम्मच से डालें हाथ से। देखिए मुझे हाथ से समझ आती है, मैं हाथ से ही बनाती हूँ डालती हूँ पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है कढ़ी की, आप लोग भी बना के ट्राई करें घर में, कढ़ी तो वैसे भी सबको ही पसंद होती है और ये गर्मियों में ज़्यादातर बनी जाती है क्योंकि ये ठंडी होती है, इसकी वजह से गर्मियों में बनाते हैं लोग। बिस्मिल्लाह। अभी हम सब ऐसे ही पकौड़े ऐड करते जाएंगे इसमें। देखिए माशाल्लाह कढ़ी अच्छे से बॉयल हो रही है और ये हमारी कढ़ी रेडी भी हो गई। देखिए मैंने पकोड़े रेडी कर लिए सारे, फ्राई कर लिए अच्छे से, अभी हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे और साथ में हम तड़का भी लगाएंगे। देखिए हम इसके पकोड़े इस कढ़ी में ऐड कर रहे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने सारे फ्राई करके इसको मैंने रख दिए थे, ठीक है अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन गए। हम लोग ने फ्राई करके इसलिए रख दिए थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है भाई हमारे पकोड़े कड़क हो जाते हैं कढ़ी के अंदर, तो इसकी यही टिप है जो आप लोग फ्राई करके इसको पहले रख दें, एक दो मिनट पूरे फ्राई करने रख दें और उसके बाद में ऐड करें। और हम तड़के की भी तैयारी करते हैं। देखिए अब इसके अंदर हम जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी के अंदर, उसी तेल के अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ प्याज। जो मैंने प्याज आप लोग को दिखाई थी, तीन प्याज उठाए थे मैंने, तीन प्याज काट लिए थे इसको लंबे लंबे, जैसे प्याज लाल हो जाएंगे उसके बाद हम ये ये मिर्चें भी इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं, कड़ी पत्ता और ये हम बाद में ऐड करेंगे। चूल्हा हमने वापस तेज कर दिया इसका। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। देखिए प्याज रेड हो गए और उसके अंदर हम कड़ी पत्ता और जीरा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये हो गए, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तड़का लग गया अच्छे से इसके अंदर, हमने बघार भी दे दिया इसमें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई, आप लोग भी बना के ट्राई करें ज़रूर, आप लोग भी पसंद आएगी उम्मीद करते हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह। रेडी हो गई, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई है। अब मैं आपको इनके इसके पकोड़े दिखाती हूँ, पकोड़े कितने नरम और सॉफ्ट बने हुए। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पकौड़े बन गए नरम और सॉफ्ट से, आप लोग को भी पसंद आएगी उम्मीद करते हैं। और मैं चाहूँगी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन दबाना भूलिएगा। और मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। देखिए पकौड़े देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, नरम से सॉफ्ट से बने हुए। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी पसंद आएगी।
नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।